शामली के कैराना में चेकिंग के दौरान कैराना थाना पुलिस ने नकली करेंसी प्रिंटर और स्कैनर के साथ कार सवार दो लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी रिश्ते में जीजा साले हैं। दोनों ही आरोपी ड्रग्स के कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। पुलिस ने दोनों के पास से 4,77,500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। इसके अलावा इनकी कार में स्कैनर, रंगीन प्रिंटर, दो डिब्बे कलर समेत नकली नोट छापने के दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। इनके दौरान इनके पास नकली करेंसी मिली, जी नकली करेंसी, इसमें 4,77,500। तो ये प्रिंटर मशीन, हाँ, तो इसको हम लोग लाए, फिर इसको चेक किए गाड़ी में, प्रिंटर मशीन, स्कैनर, सारी चीजें जो हमें साफ करना थी। आरोपियों ने बताया कि वो पहले भी जेल जा चुके हैं और साल 2004 में पंजाब की नाभा जेल में बंद होने के वक्त इनकी मुलाकात एक नाइजीरियाई ड्रग्स सप्लायर से हुई और फिर दोनों ने ड्रग्स का कारोबार शुरू कर दिया। सर, अभी 10-11 दिन पहले नशे के लिए छापे थे सर, उस नशा लेना था, लाना था, उन्होंने पहचान लिए, लिए नहीं नोट, तो वापसी आ रही थी। कहाँ ले के जा रहे थे? दिल्ली से वापसी आते थे। अच्छा, जैसे दिल्ली पहले भी जेल गए इस तरीके से? नहीं, जाली नोट। अच्छा, आइडिया कहाँ से आया तुम्हें जाली नोट बनाने का? कलर फोटो छिट कराई थी, उससे आया। अच्छा, जिस तरीके से जाली नोट बनाए तो क्या नशे के लिए करते थे या किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करते थे? नशे के लिए ही करने थे, पर करने का। अच्छा, दोनों बंदे आपस में रिलेटेड क्या हो, रिश्ता क्या आपका? अच्छा, साल तो दोनों इस नशे के लिए कर रहे थे। पहले भी जेल गए कभी? कहाँ कहाँ पे गए? NDBS में गए, फतेहगढ़ साहब और जगाधरी नाभा जेल में। दोनों आरोपी नशे का कारोबार करते हैं और खुद भी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए दोनों ने नकली नोट छापे थे, जिसने इन्हें अब जेल की सलाखों के पीछे एक बार फिर से पहुंचा दिया है। आनंद प्रकाश के साथ वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, शामली।